स्वागत है एक बार फिर से। नए प्रश्नों को लेकर आए हैं, नए टॉपिक के अंतर्गत डिटेलिंग वीडियो रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा विद्युत से संबंधित पार्ट टू है, पार्ट वन के लिए आई बटन यहां पर आएगा, उसमें आप देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर वह विद्युत टॉपिक को लेकर वीडियो उसमें बताया, उसके आगे का आज हम बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हम विद्युत शक्ति के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, साथ ही घर पर जो विद्युत सप्लाई होती है उसमें, और यहाँ पर आपको बता दें एसी और डीसी के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, उसकी डिटेलिंग यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। तो तमाम तरह की और भी जानकारियाँ यहाँ पर मिलेगी, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। इन्हीं से प्रश्न हमेशा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर के बारे में यानी विद्युत शक्ति के बारे में, जैसे कि प्रति एकांक समय में वह विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति की परिभाषा हो जाएगी जो एकांक समय में खर्च होती है, वहीं इसका एक एसआई मात्रक जो होता है विद्युत का, इलेक्ट्रिक पावर का वाट होता है। इसके बड़े मात्रक किलोवाट होते हैं, जैसे 10 की घात में 3 हो गया, या घन या क्यूब कहेंगे ये हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा पावर चाहिए तो मेगावाट यानी 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यहाँ पर डिटेल्ड है। नॉर्मल वाट होता है, और बड़ा में देखेंगे तो यहाँ पर किलोवाट में 10 की पावर 3 हो जाएगी और मेगावाट में 10 की पावर 6 हो जाएगी। फिर इसके बाद प्रति घंटे 1 किलोवाट ऊर्जा उपभोग को यानी खर्च करने को 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहते हैं। तो ये यूनिट सबके घर में मीटर लगे हुए हैं, यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल आता है, तो वही वाला यूनिट है। प्रति 1 घंटे 1 किलोवाट ऊर्जा उपयोग करने पर 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट उसको कहते हैं। 1 घंटे में आप जितना करेंगे उपयोग 1 किलोवाट अगर कर लेते हैं तो 1 यूनिट वह कहलाती है। अब यूनिट शब्द यहां पर आ गए, तो यूनिट जो शब्द है वो कहां से निकल के आया है? यूनिट शब्द आया है बोर्ड ऑफ ट्रेंड यूनिट, ये फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेंड यूनिट, इसको बोटू भी कहते हैं का संक्षिप्त रूप, उसको कंबाइन रूप से बना दिया यूनिट यहाँ पर इसको बोलते हैं। तो ये होगा यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में महत्वपूर्ण आपको मिलेगा, हमेशा क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर या अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। दूसरा, इसके आविष्कार का श्रेय फैराडे को दिया जाता है। तो ये सिद्धांत कौन सा है, अन्योन प्रेरण, और आविष्कार किसने किया है, फैराडे ने किया है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर इसमें प्राथमिक यानी प्राइमरी और द्वितीयक यानी सेकेंडरी दो प्रकार की कुंडली लगी होती है, जिसको आप प्रैक्टिकली देखा होगा अपने आसपास। वहीं इसके द्वारा विद्युत वाहक बल्ब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है में परिवर्तन किया जाता है, विद्युत वाहक बल्ब में परिवर्तन किया जाता है। साथ ही ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें उच्च विभव का निम्न विभव में परिवर्तन किया जाता है उसे अपचयी ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, उच्च विभव का निम्न विभव में परिवर्तन करना इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। साथ ही निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तन करने वाले ट्रांसफार्मर उपचयी ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। जो उच्च यहाँ पर निम्न को उच्च में जो बदलेगा उसको उपचयी कहते हैं। उच्च यहाँ पर देखिए ये उच्च में और उपचयी, ठीक है ना, और ये दूसरे जो यहाँ पर आपने देखा है तो जो ट्रांसफार्मर जिसमें उच्च विभव पर निम्न विभव में परिवर्तन होता है उसको अपचयी कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं इसके द्वारा सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट के विभव में परिवर्तन किया जाता है, यानी एसी का पूरा नाम जो होता है अल्टरनेटिव करंट जो होता है, घरों में जो उपयोग होने वाली बिजली है वो एसी करंट ही होता है, तो ये अल्टरनेटिव करंट है इसका पूरा नाम। तो ये प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में इसको बोलेंगे, और ये परिवर्तन ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एसी और डीसी दो तरह की धारा होती है, एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को बोलते हैं दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट होता है, डीसी यानी दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट होता है। तो घर में जो उपयोग करते हैं वो एसी वाला करते हैं, ये डीसी यहाँ पर घर में नहीं करते, ये डायरेक्ट करंट है, ये पोलों पर होता है, खंभों पर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक निश्चित समय अंतराल में धारा के परिमाण और दिशा में परिवर्तन एसी करता है,
और डीसी का काम है धारा के परिणाम एवं दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो इस चीज को आप यहाँ पर आपको समझना है। ट्रांसफार्मर की सहायता से विभव में परिवर्तन एसी में किया जाता है और विभव के मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ये डीसी वाली धारा में। फिर चौंक कुंडली की सहायता से धारा नियंत्रित उपयोग की जाती है, इसलिए यह घरों में उपयोग होती है। और डी में जो होता है धारा के नियंत्रण के धारा नियंत्रक यानी रिहोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। वहीं घर के अधिकांश उपकरण इसी से संचालित होते हैं यानी एसी से, सिर्फ इसी के द्वारा संभव है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो इसी के द्वारा संभव है। वहीं जो डीसी होता है बैटरी को आवेशित यानी चार्ज करने और विद्युत अपघटन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट जो होता है। फिर इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको जान लेना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए दिष्टकारी ये का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर इसको बोलते हैं दिष्टकारी जो होता है। जबकि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। देखिए जो प्रत्यावर्ती धारा होती है यानी एसी, यहाँ पर एसी जो होता है इसको दिष्ट धारा यानी डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे और जो डीसी धारा होती है उसको प्रत्यावर्ती धारा में अगर बदलना है डीसी को तो इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। तो इन्वर्टर जो कि घरों में उपयोग होता है वही वाला इन्वर्टर है। फिर यहाँ पर देखिए घरों में विद्युत की सप्लाई के बारे में जो जानकारियाँ होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आते हैं डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसमें आप देखेंगे विद्युत गृह जो होते हैं पावर हाउस में विद्युत का उत्पादन सामान्यतः 11,000 वोल्ट पर किया जाता है। ये 11,000 वोल्ट पर उत्पादन वहाँ पर करते हैं और विद्युत गृह के पास इस विभव को सामान्यतः 12 गुना बढ़ा दिया जाता है। ये ऐसा हस्तांतरण क्षति यानी ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। यानी 11,000 वोल्ट उन्होंने जनरेट किया, उत्पादन सामान्यतः नॉर्मली है, इससे ज़्यादा भी किया जाता है लेकिन नॉर्मली जो होते हैं पावर हाउस जो होते हैं वहाँ पर 11,000 वोल्ट पर किया जाता है जो बिजली का सप्लाई होता है। इसको ट्रांसमिशन लॉस यहाँ पर करने के लिए कम करने के लिए यहाँ पर देखिए 12 गुना बढ़ा देते हैं। वहीं यहाँ पर यह प्रत्यावर्ती धारा होती है जो एसी होता है वही है अल्टरनेटिव करेंट, उसी को प्रत्यावर्ती बोलते हैं जैसा ऊपर आपको दिखाए हैं। मोहल्ले में स्थित ट्रांसफार्मर की सहायता से कई मध्यवर्ती स्थानों पर घटाए गए विद्युत विभव को 220 वोल्ट में परिवर्तन कर घरों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आपके मोबाइल चार्जर से लेके अन्य जो आपके पास विद्युत उपकरण होंगे जिसमें लाइट का प्रयोग होता है उसमें 220 वोल्ट लिखा रहता है, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो वो 220 वोल्ट में कैसे परिवर्तन होता है, देखिए ट्रांसफार्मर की सहायता से कई मध्यवर्ती जो स्थान होते हैं वहाँ पर घटाए गए विद्युत विभव को 220 वोल्ट में परिवर्तित कर घरों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। किसकी सहायता से, ट्रांसफार्मर की सहायता से। घर में विद्युत के उपयोग के लिए दो मुख्य तार होते हैं, पहला तार जो होता है 15A और दूसरा तार होता है 5A का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। 15A के तार से घर के बड़े उपकरण चलते हैं जैसे कि हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर, ये बड़े उपकरण हो गए जोड़े जाते हैं। वहीं जो 5A वाले होते हैं उसमें 5A के तार से छोटे उपकरणों को जोड़ा जाता है। A का मतलब अमस्ट्रांग होता है, एम्पियर होता है A का मतलब। फिर घर के विद्युत उपकरणों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर के क्रम में जोड़ा जाता है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। वहीं मुख्य तार के अतिरिक्त दो और भी तारों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें उदासीन यानी न्यूट्रल और आधार सिरा यानी अर्थ टर्मिनल कहा जाता है। दो तारें अलग से जोड़ी जाती हैं, तो एक तो हो गया अर्थ फेस जो आप जानते ही हैं, ठीक, इस चीज़ को न्यूट्रल और ये अर्थ टर्मिनल। सॉकेट के तीन पिनों में सबसे लंबा पिन आधार सिरा यानी अर्थ टर्मिनल से जुड़ा रहता है। सबसे लंबा पिन जो होता है आप देखे होंगे जो सॉकेट होता है उसमें अलग ही होता है, बड़ा साइज का होता है। और भारत में जिस विद्युत की आपूर्ति की जाती है उसकी आवृत्ति 50 Hz होती है, फ्रिक्वेंसी जो होती है 50 Hz होता है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन
मुझे उम्मीद है इस टॉपिक से यहाँ पर अगला वीडियो भी हमारा यही टॉपिक पर रहेगा। फ्यूज यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक, और इससे संबंधित जो है तमाम तरह के क्वेश्चन आएंगे। और आज का जो वीडियो है, मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो अगर आपकी कोई राय है कमेंट में बताइएगा। मुझे चैनल पर सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।